कुछ बातें शिव महापुराण में जो वर्णित करी गई, जैसे दीप महत्वता, घर में दो दिए हमेशा रखना चाहिए, घी का दिया हो चाहे तेल का दिया, ज्यादा से ज्यादा दियों को बदलना नहीं चाहिए। जैसे मालूम पड़े आज ये वाला दिया लगा दिया, फिर 15 दिन चला उसको फेंक दिया, दूसरा दिया लगा दिया। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में दिया एक लेता है और वही दिए में निरंतर बत्ती लगती रहती है तो उसके घर में संपदा की वृद्धि होती रहती है। दिया ज्यादा नहीं बदलना चाहिए, संपदा की। जैसे जिसके घर में संपदा की कमी हो, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को यदि या ब्राह्मण के बालक को खीर का भोजन करा दिया जाए, और यदि ये भी नहीं करा सकते तो सोमवार की सोमवार शाम के समय अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर आए, 5 सोमवार लगाकर आइए, अपने आप लक्ष्मी में बरकत बनना चालू हो जाती है, संपदा बनना चालू हो जाती है। क्यों? रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से बना है और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से बना है। एक बात मेरी माताओं से कहना चाहूंगा, अगर घर में बच्चे चिड़चिड़े हों, क्रोध कर रहे हों, घर में बच्चे कहने पर नहीं चल रहे हों, कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्या अध्ययन में मन नहीं लग रहा, कहीं सत्कर्म की ओर इनका मन नहीं लग रहा, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कभी अगर मौका मिल जाए, चंदन घिसकर, लाल चंदन को घिसकर बेलपत्री के वृक्ष पर त्रिपुंड लगाइए, और बेलपत्री के वृक्ष का वही त्रिपुंड लगी हुई उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर जी पे त्रिपुंड लगाइए, और लगाने के बाद वही त्रिपुंड की उंगली घर पर जहां बच्चा जिस कक्षा में पढ़ाई करता हो या जहां सोता हो, उस 3 उंगली को उस घर के किसी भी टेबल, अलमारी, किसी भी स्थान पर ले जाकर लगा दीजिए, वो बच्चा कभी गलत संगत की ओर नहीं जा सकता। और उसमें शिव जी का एक नाम का स्मरण करना है, शंकर जी का एक नाम का स्मरण करना है, जिसका नाम है अवधूतेश्वर। क्या नाम है शिव जी का नाम? अवधूतेश्वर। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव भक्त में। दोस्तों, फागुन का महीना शुरू हो गया है जो कि सोमवार बहुत ही शुभ दिनों से स्टार्ट हुआ है। इस दिन हमें अपने घर के द्वार के पास दीपक जलाएं, जिससे कि घर में सुख शांति बनी।